कुछ बात करेंगे वेस्टइंडीज के दौरा इंग्लैंड की। पहला टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, जो कि लंकाशायर काउंटी का होम ग्राउंड है, वहाँ वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नाकामी से 2-4 हुई। एक ऐसा टेस्ट मैच जहाँ उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक, जो कि साउथहैम्पटन टेस्ट मैच में जो रूट की अदम मौजूदगी में टीम की क़्यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। और इंग्लैंड की जीत में बेन स्टोक ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बेन स्टोक ने पहली इनिंग्स में 176 रन की शानदार और जरूरतमंदाना इनिंग्स खेली वेस्टइंडीज़ के खिलाफ। पहली इनिंग्स में स्टोक ने 13 ओवर्स किए और एक विकेट के हुसूल में भी कामयाब रहे थे। इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में बेन स्टोक ने बतौर ओपनिंग बैट्समैन जोस बटलर के साथ मैदान में कदम रखा और 78 रन बनाने में कामयाब हुए थे। इस टेस्ट मैच के दौरान दूसरी इनिंग में ऑलराउंडर ने 30 रन के बस 2 विकेट की परफॉर्मेंस भी पेश की। मैच में कुल 254 रन और 3 विकेट हासिल करने वाले बेन स्टोक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए हैं। इस वक्त हम सीधा लंदन चलेंगे जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। खुशामदीद कहेंगे यासिर आपको, और यही इम्कान था, यही उम्मीद थी कि बाउंस बैक करेगी सीरीज़ में होम इंग्लिश टीम, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ऐसा लगा कि वन मैन आर्मी के साथ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रही है इंग्लैंड की टीम, इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पहले मैच के बाद काफी कुछ उनको एक तो काफी अच्छा क्रिकेट भी हुई और उनको सीखने का भी मौका मिला, और जो गलतियां उन्होंने की थी कि टॉस जीत के जिस तरह उन्होंने खुद बैटिंग कर ली थी, उसके बाद फिर जो सिलेक्शन हुई थी जिसमें जिस तरह उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को पहले मैच से ड्रॉप किया था, तो आई थिंक वो जल्दी रियलाइज हो गया कि वो कितने अहम मेंबर है इस टीम के। उन्होंने आपने देखा इस मैच में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और वो काफी डिफरेंस था इस मैच का। और उसके अलावा बेन स्टोक की जिस तरह आपने बात की उनकी परफॉर्मेंसेज, और डिस्कशन काफी चल रही थी कि जी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग अगर आप देखें, आज बल्कि टेस्ट रैंकिंग भी आई है, तो नंबर वन में टेस्ट रैंकिंग में जो ऑलराउंडर्स में बेन स्टोक्स का नाम नंबर वन पे है, तो उनकी वाजे मतलब जो है परफॉर्मेंस सामने है। बैटिंग में देखें, बॉलिंग में देखें आप, कि इस पूरे 5 रोजा मैच में, ऑल्दो पहला दिन जो बारिश की नजर हुआ उसके बाद जब मैच हुआ, तो ऑल इन ऑल मतलब वन मैन आर्मी लगे वो, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने बैटिंग भी पहले की, फिर उसके बाद जब बॉलिंग का मौका आया बॉलिंग भी उन्होंने की, और फिर अगले दिन फिर ओपन जब उन्होंने की सेकेंड इनिंग में, तो उसमें भी बेहतरीन उन्होंने खेल का मुजाहरा किया। तो आई थिंक बड़ा अच्छा मतलब बेन स्टोक्स के लिए तो पूरा जो 2 मैचेस गुजरे बड़े अच्छे गुजरे। बिल्कुल यासिर, आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन पहला टेस्ट मैच जो रूट खेले नहीं थे, और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है सीरीज़ में, एक आम तासुर यही है, लेकिन अगली इस पिछली सीरीज़ को हम देखें, इससे पहले जो इंग्लैंड की टीम माजी में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेली है, मोर ऑर लेस इसी बैटिंग लाइनअप के साथ वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जो रूट की वापसी हुई, टीम की बैटिंग को इस्तेहकाम मिला, लेकिन वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। लेकिन साथ साथ जोस बटलर, जो कि इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में बेन स्टोक के बाद इंतहाई अहमियत के हामिल बल्लेबाज हैं, ठीक है सेकंड इनिंग में उनको तेज़ रन्स करने थे, वो एक बाहर जाती हुई गेंद को इनसाइड एज के ज़रिए बोल्ड हो गए, लेकिन आपको लगता है कि जोस बटलर को भी अब परफॉर्म करना होगा? ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि बैटिंग जो है बड़ी फ्रेजाइल है स्पेशली टेस्ट की। इंग्लैंड का जो आजकल जो ईसीबी का सबसे जो बड़ा जो टारगेट वो यही है कि जो इनकी बैटिंग टेस्ट की जो बैटिंग है इसको इन्होंने किस तरह बेहतर बनाना है, क्योंकि वनडे की आप देखें कितनी बैलेंस टीम है, T20 की बहुत ही बैलेंस टीम है, और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें बॉलिंग इनकी बड़ी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका बड़ा वीक है, और उसके बाद ये जो बैटिंग है बड़ी फ्रेजाइल है, यंगस्टर्स हैं, मगर सबसे अच्छी चीज जो ईसीबी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ये है कि वो अपने प्लेयर्स को जब चांस देते हैं तो मुकम्मल, कोई अगर 6 मैचों की सीरीज है या 3 मैचों की सीरीज है तो मुकम्मल चांस देते हैं, तो वो ये नहीं होता कि एक मैच की परफॉर्मेंस या 2 इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जॉनी बेयरस्टो को डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं किसी हद तक, मगर वो मे बी इस पाकिस्तान के खिलाफ मे बी उनको ट्राई करेंगे। यासिर हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ पर हम बात कर रहे हैं। अगर इस टेस्ट सीरीज़ में हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं, तो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में बड़े नाम शामिल हैं, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटों के करीब हैं पहले फास्ट बॉलर बनने के जेम्स एंडरसन, उनके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साउथहैम्पटन टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम मैनेजमेंट ने अपनी टीम में 3 तब्दीलियाँ की थी, और फास्ट
फास्ट बॉलिंग के एतबार से बड़ी अहम तब्दीलियाँ थी, और मार्क वुड नहीं खेले थे, क्रिस वोक्स टीम में आए थे, उसके अलावा करन टीम में वापस आए थे, और उसके साथ जेम्स एंडरसन को ड्रॉप किया गया। जोफ्रा आर्चर जो थे वो बायोसिक्योर माहौल की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब करार पाए थे और वो टीम में जगह नहीं बना पाए थे। यासर, इस टेस्ट मैच में अगर हम देखें एज़ कम्पेयर साउथहैम्पटन, तो इंग्लैंड एक नए पेस अटैक के साथ एक्शन में था। नया पेस अटैक इस सीरीज़ के एतबार से मैं कह रहा हूँ, वरना किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने अपनी अहलियत को साबित भी किया, फिर बहुत खामोशी से अपना काम करते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिस वोक्स की, उन्होंने यहां पर भी एक अपना तासुर छोड़ कर गए इस टेस्ट मैच में। अब आपको लगता है कि मार्क वुड की टीम में वापसी को आप देख रहे हैं? अब मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा कि जोफ्रा आर्चर, जो कि एशेज सीरीज़ में बड़ी उमदा बॉल डाल रहे थे, उनको तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच में जगह देगी। विनिंग कॉम्बिनेशन को आपको लगता है कि इंग्लैंड कंटिन्यू करेगा, या आपको कोई तब्दीली दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल से जाएंगे, मगर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ये चीज यहाँ देखनी चाहिए कि जो ये जो क्रिकेट अभी हो रही है ये बायोस्फीयर माहौल में, और जो आप देखिए टेस्ट मैचेस के दौरान 3 दिन का गैप है, तो ये बड़ा क्रुशियल होता है स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर कि उनकी बॉडी रिकवर करती है कि नहीं करती। जेम्स एंडरसन की आपने बात की, वो उनको जो रेस्ट दिया उसका रीजन मेरे ख्याल से ये था कि वो 6 से 7 महीने बाद टेस्ट मैच खेले, और क्योंकि बीच में काउंटी क्रिकेट भी नहीं खेले, तो मेरा नहीं ख्याल 38 साल उनकी उम्र है, तो उनकी रिकवरी में उनको टाइम चाहिए, तो इस वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको इस टेस्ट में रेस्ट दिया गया। तो पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को, अपने स्पेशली बॉलर्स को किस तरह वो रोटेट करेंगे, मैच बाय मैच जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक कम्बिनेशन अगर 3 प्लेयर अगर खेल रहे हैं तो वही सारे मैचेस खेल जाएंगे। मेरे ख्याल से रोटेशन पॉलिसी करनी चाहिए स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि जो बीच में टाइम पीरियड है वो रिकवरी का बहुत कम है 3 दिन का टेस्ट मैचेस में। लेकिन यासिर, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के वो बॉलर जो कि इंग्लैंड में टीम के साथ मौजूद हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम फ्रंट लाइन बॉलर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर शाहीन हैं, नसीम हैं, अब्बास हैं, जो कि हमें लगता है कि पहले टेस्ट मैच की फ़ाइनल लाइनअप का हिस्सा होंगे। फिर इमरान खान जो थे वो कोविड-19 टेस्ट की वजह से स्पेशल प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सके थे, अब वो टीम के साथ मौजूद हैं। वहाब रियाज हैं, सुहेल हैं, उसके साथ फहीम अशरफ हैं और उस्मान खान चिनवारी हैं। ये वो बॉलर्स हैं जो कि वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, और इनको इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचों में खेलने का मौका भी मिल रहा है। तो आपको लगता है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 3 दिन का वक्त होगा, इतनी जल्दी जो है वो अपने आप को जेल करना मुश्किल होगा, तो आपको लगता है कि हमें भी बहुत सारे फास्ट बॉलर को ट्राई करना पड़ेगा? बिल्कुल, डिपेंडिंग कि अगर फर्स्ट नसीम शाह जिस तरह की आप देखें वो यंगस्टर हैं, उनकी एज काफी यंग है, बनिस्बत अब्बास की आप देखिए उनकी थोड़ी एज ज्यादा है, तो वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने 5 दिन में सेकंड इनिंग में या सेकंड स्पेल जब आके उन्होंने बॉलिंग की तो उनकी पेस में कितना डिफरेंस आया, कितने इफेक्टिव रहे। नसीम शाह का तो ये है यंग एज है, इतनी इशू मेरे नहीं ख्याल उसमें होगा, और इवन शाहीन शाह अफरीदी भी उनकी भी एज यंग है, मगर अगर जो एक थोड़ा वीकर लिंक ये होगा कि अब्बास अगर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर वो देखना ये पड़ेगा कि उन्होंने सेकंड स्पेल्स कैसे किए हैं, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कैसी की, उनकी बॉडी रिकवर कर रही है कि नहीं कर रही, बजाय कि उनको दूसरा मैच फॉर द सेक ऑफ के वो जो बॉलर अच्छे हैं उनको खिला दिया जाए और वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह ना आ सकी जितना जिस तरह आनी चाहिए, तो ये काफी चीजें मैटर करेंगी। यासर, आपसे थोड़ी सी मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर ने पहले ना की, अब उनको मिसबाउल हक की खसूसी दरख्वास्त पर जो है वो इंग्लैंड बुलाने की तैयारियाँ जो है करीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन बशमूल मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर की टीम में शमूलियत पर खासे तहफ़ात रखते हैं, और उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि टीम की जब आपको ज़रूरत हो और आप दस्तयाब ना हो तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को कंसिडर नहीं करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान से खेलना एक तो एजाज की बात है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, तो अगर कोई प्लेयर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, और जो लोग अवेलेबल हैं डोमेस्टिक खेलते हैं जो परफॉर्म करते हैं उनको मौका देना चाहिए ऐसे मौकों पर जब वो अपने आप को अवेलेबल शो करते हैं, परफॉर्मेंसेस शो करते हैं। ये पॉलिसी पीसीबी की तरफ से होनी चाहिए और पीसीबी को इस चीज पे स्टैंड और इस चीज का एक प्रॉपर डिसीजन इसका लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई भी प्लेयर उठ के कहे कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली या मैंने T20 या वनडे नहीं खेलनी। ये प्लेयर की डिसीजन, अगर वो खुद चाहता है कि मैंने नहीं खेली तो आपको किसी की मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो यासर, आपको लगता है कि ये एक ऐसी सीरीज थी जहां पर आप आमिर को सेकंड फेज में इस दौरे के मौका दे रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप ना भी बुलाते आमिर को तो कोई फर्क पड़ना नहीं था? हाँ, आपके पास ऑलरेडी प्लेयर वहाँ पे मौजूद हैं जो T20 के लिए आपके जो तीन मैचेस हैं, कोई इतना बड़ा इवेंट भी नहीं है, कोई ICC इवेंट भी नहीं है, तीन मैचेस हैं तो आपके पास ऑलरेडी प्लेयर मौजूद हैं वहाँ पे काफी, तो आप बगैर उसके भी जा सकते थे, मगर बस वो हारिस रोम की वो पोजीशन ऐसी थी कि उनके जो टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गए जिसकी वजह से वो जा नहीं सके, तो फॉर्मेलिटी एक थी कि 29 प्लेयर्स को आपने बुलाना था तो आपके पास ऑप्शन थी, तो जिस वजह से उन्होंने बुलाया। यासर अरफात साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, लंदन से हमारे साथ मौजूद थे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के साथ, पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ आने वाले मैचों के हवाले से अपने राय का इजहार कर रहे थे।